पाठ वी कमंडी राजा। इस कहानी विच दस्या गया है कि एक राजा जो अपने आप नु बहुत कमंडी ते अपने आप नु सियाणा समझदा सी, ओ किसे मंत्री दी गल नहीं सी मानदा ते गलत मलत फैसले करी जा रहा सी। सब उस तो औखे सन, पर ओ एक साधारण आजड़ी कोलो हार गया। आजड़ी दे अगे राजा लाजवाब हो गया। ओ जदो महला विच आया ता बदलिया बदलिया सी। एक राजा अपने आप नु सब तो वदेरे समझदार समझदा सी, मतलब ए कि कमंड दा पुतला सी। उस दे मंत्री मंडल विच तजर्बेकार अते स्याणे व्यक्ति सन, परंतु ओ अपनी ताकत दे नशे विच सब उपर इस तरह दा असर पाके रखदा जिवें उस वर्गा सूझवान होर कोई ना होवे। जे कोई मंत्री सही गल आखण दी कोशिश करदा ता ओ चट उस दी गल विचों कटदा होया कहंदा, मैनू सब पता है कि मैं की करना, तुसी मेरे तो ज्यादा स्याणे ता नहीं। अगो सही सलाह देण वाला चुप कर जांदा। राजे ने किसे मुकदमे विच फैसला सुनाया ता सारे एक दूजे दा मुंह देखण लगे, क्योंकि फैसला बड़ा अनोखा सी। चोर ने नेड़े दे पिंड विचों दिन दिहाड़े चोरी कीती सी, पर गवाहां दियां गवाहियां दे बावजूद भी चोर नू बरी कर दिता गया। सब तो बिरध मंत्री ने हौसला विखा के आखिया, जनाब ए फैसला ठीक नहीं होया, दोषी नू सजा मिलनी ही चाहिदी है। तुसी मेरे नालों वध स्याणे नी, राजे ने एनी गल आके उस मंत्री नू चुप करवा दिता। लोग दंदा हेठ उंगलियां दबा के सोचन लगे कि राजा इसे तरह अपने आप नू सब तो ज्यादा स्याणा अते तजर्बेकार समझदा होया गलत फैसला करदा रहा ता अपराधी बचदे रहणगे। सच्चे ते ईमानदार लोकां नू नुकसान उठाना पवेगा, पर कीता की जावे, कुछ समझ ही नहीं सी आ रहा। एक दिन राजे ने अपने सब तो स्याणे अते बिरध मंत्री नू सब दे सामने बुरा भला कह दिता। इस दा राजे दी राणी नू बड़ा दुख पहुंचया। उस समय ता राणी ना बोली, क्योंकि जानदी सी कि राजे दा सुभा गुस्सेखोर है, पर मन ही मन उस नू अपने समझदार मंत्री दी बेइज्जती दा दुख भी सी। दरबार बर्खास्त होण तो बाद राणी ने अपने कमरे विच मंत्री नू बुलाया ते राजे वल्लों बोले गए अपशब्दां लई माफी मंगी। बिरध मंत्री बड़े धीरज नाल बोलिया, राणी जी आप एवें परेशान ना होवो, मैं राजे दी सोच नू चंगी तरह समझदा हां। शायद आपने नहीं सुनिया, ग्रंथां विच कहा गया है कि जो राजा विद्या बुद्धि धन अते कुल विच अपने बुजुर्गां अते सलाहकारां दा निरादर करदा है ओ मूरख हुंदा है। मैं राजा साहिब दियां गल्लां दा जरा जिन्ना भी बुरा नहीं मनांदा, पर एक गल जरूर दसनी चाहांगा कि उन्हां नू अपनी सियाणत दा कुछ वधेरे ही हंकार हो गया है। एक दिन अजिहा आएगा कि उन्हां नू अपने आप ही एहसास हो जावेगा कि की सच है अते की झूठ। राजा एक दिन अपने कुछ होर राजे साथियां नू नाल लेके जंगलां विच शिकार खेडण लई गया। चाणचक उस नू एक हिरनी दिखाई दित्ती। उसने हिरनी दे पिछे अपना घोड़ा तेज दौड़ाया, पर हिरनी एनी तेज दौड़ी कि पला छिणा विच ही अखो ओले हो गई। बादशाह उसका पिछा छड्डन वाला नहीं सी, क्योंकि उसनु मन ही मन शर्म आ रही सी, जे ओ खाली हाथ परतिया ता उसदे साथी की आखणगे। उसने फैसला कीता कि शिकार चाहे छोटे क्यों ना होवे ओ लेके ही जावेगा। राजा थकावट नाल चूर हो के एक रुख हेठ आराम करन लगा। अजे बहुती देर नहीं सी होई कि एक आजड़ी उधर आ निकलिया। जदो उसने एक रुख हेठा अति कीमती पहरावे वाले किसे व्यक्ति नु पिया देखिया ता ओ समझ गया कि ओ ता राजा है। आजड़ी इज्जड़ चरौंदा उस कोलो लंगन लगा ता राजे ने उस नु आवाज मारी। आजड़ी ने उस नु आके नमस्कार कीती। की ना है तेरा, राजे ने पुछया। जी बुद्धू, ए एकदम हंस के बोलिया, बड़ा चंगा ना है, राजे ने कहा। आजड़ी चुप रहा। राजे ने अगला सवाल कीता, तू रोज आउंदा है संगणे जंगल विच? हां जी, बुद्धू ने कहा। राजे नु त्रे लगी होई सी, बुद्ध कोल पानी सी। बुद्धू ने अपना पानी वाला भांडा राजे अग्गे पेश करदिया पुछया, पानी पियोगे? ज्यो ही बुद्धू ने अपने नाल लियांदा पानी वाला डोलू उस अग्गे वधाया ता नक मुंह वटदा होया राजा बोलिया, इस भांडे नु ता धोतिया सदियां ही हो गईयां लगदियां ने, रहण दे। बुद्धू रुक गया। तू जानदा है मैं कौन आ? राजे ने पुछया।
राजे मालूम हुंदे हो। बुद्धू बोलिया, कल्ला राजा ही नहीं, इस मुल्क दा सब तो स्याणा बंदा ते तजर्बेकार हां। राजे दा हंकार बोलन लगा। बुद्धू निडरता नाल बोलिया, देखो जी, आपा थोड़े कोलो कुछ लेना नहीं, पर 100 दी एक मैं भी सुना दिंदा हां कि हर बंदा आपको अपने कीते दा माहिर हुंदा है। जे तुसी अपने कीते दे माहिर होवोगे तां मैं अपने कीते विच तुहाडे नालों तजर्बेकार। पहली वारी किसे आजड़ी दे एनी जुर्रत नाल कहे बोल राजे दे सीने विच जावजे। राजा उत्सुकता नाल बोलिया, बिल्कुल गलत बोल रहा है। जिस दिन तेरा दिल करे मेरे दरबार विच आके मेरे फैसले सुन सकदा है। किसे दी जुर्रत नहीं हुंदी कि ओ मेरे फैसलियां नाल सहमत ना होवे। बुद्धू बोलिया, सब डरदे होणगे जी, इस लई आप दे कीते गलत फैसले कटण दी किसे विच हिम्मत नहीं हुंदी। एक गल मैं आप जी नु बड़ी निमरता नाल कहनी चाहुंदी हां कि जे राजा अपनी प्रजा नाल सही न्याय ना करके अपने आप नु सब तो वध समझदार समझ के गलत फैसले सुनाए ता इस दा नतीजा ठीक नहीं हुंदा। मैं मेहनत करके खान वाला व्यक्ति हां, मेनू कोई डर नहीं है। रही गल तुहाडे वल्लों अपने आप नु ज्यादा समझदार ते तजर्बेकार सिद्ध करन दी, इस दा फैसला हुणे होना चाहिदा है। ठीक है, राजे ने वंगार प्रवान कर लई। एने नु बुद्धू दा एक मेमना इंजण नालों दूर दौड़न लग पिया। बुद्धू नु इस समय चंगी सुझी। राजे नु कहन लगा, अच्छा महाराज, जे तुसी अपने आप नु सब तो वध सियाणे ते तजर्बेकार समझते हो ता इत्थे बैठिया बैठिया मेरे उस लाटू मेमने नु मोड़ लियाओ, फिर मैं तुहाडी अकल दा सिक्का मन जावांगा। सवाल टेढ़ा सी पर राजे दी इज्जत दा सवाल सी। राजा दौड़े जा रहे मेमने नु वापस बुलाउण लई लगा उच्ची उच्ची आवाजां कड्डण। वापस मुड़ा मेमने, रुक जा, वापस आ जा, आ जा, आ जा, तू बड़ा प्यारा है, आ जा, आ जा। राजा कदे पतलियां, कदे डरौनियां ते कदे मोटियां मोटियां आवाजां कड़ के मेमने नु वापस बुलाउण दी कोशिश करदा रहा, पर मेमना ना रुकिया। जदों मेमना दौड़दा दौड़दा दूर चला गया तां बुद्धू बोलिया, बस बस राजन, एथे तुहाडी सियाणप ते तजर्बा नहीं चलेगा, एथे मेरा तजर्बा ही बोलेगा। एह कह के बुद्धू ने एक प्यार भरी अजिही विशेष आवाज मुंह नाल कड्डी कि मेमना थाई रुक ही नहीं गया, सगो हौली हौली कदम पुटदा होया मुड़ इज्जड़ वल आउण लगा। राजा अवान रह गया, फिर बोलिया, प्यारे बुद्धू, सचमुच तू इस निक्की जही घटना नाल मेरे दिमाग ते पया पर्दा चुक दिता है। मैं ताकत दे नशे विच सब कुछ भुल बैठा सा। मेनू हुण महसूस होया है कि अपने आप नु सब तो वध सियाणा ते तजर्बेकार समझना मेरी मूर्खता सी। फिर राजे ने बुद्धू दा डोलू फड़िया ते पानी पीण लगा। फिर राजा बोलिया, तू अज मेरा मन जित लिया है, मेरे नाल महलां च चलेगा, मैं तेनू उथे नौकरी देंगा। बुद्धू बोलिया, ना जी, तुहाडी बड़ी मेहरबानी, जे मैं महलां विच चला गया तां मेरा इज्जड़ विचारा किधर जाऊगा, मैं अपने इज्जड़ नाल ही खुश हां। बुद्धू राजे नु नमस्कार करके अग्गे वध गया। राजा बड़े गौर नाल अपने इज्जड़ पिछे जा रहे बुद्धू वल वेखदा रह गया।